ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम स्वर्णरसराजाम चंद्राम हिरण्यमय लक्ष्मी जातवेदो मावह। हाथ जोड़िए, लक्ष्मी जी को प्रणाम करो। मैं प्रार्थना करता हूँ माँ से, वो आपके घर में बस जाए, मन में, बुद्धि में, आपके हाथों में उलीचते रहें आप, इतना आ जाए वो हाथों में, उलीचते रहें आप, आपके मन में बस जाएं। उसका एक मंत्र है, इतनी आ जाएंगी उलीचते रहोगे। हाथ जोड़कर बोलो, महालक्ष्मी महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे ह्रीं ह्रीं लक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र के साथ लक्ष्मी जी का आह्वान करो, शर्त के साथ, हम दुरुपयोग नहीं करेंगे, अभिमानी नहीं बनेंगे, दुराचार नहीं करेंगे, व्यसन नहीं करेंगे, हम मद्यपान नहीं करेंगे, इससे दूसरे को अपने अधीन नहीं बनाएंगे, दुराचार नहीं करेंगे, हम बांटेंगे, तुझे सार्थक करेंगे। लक्ष्मी जी हमेशा आ जाती है हर पल के लिए। इसे लक्ष्मी जी जब आई तो सब विचार करने लगे, अब ये किन के हिस्से में आएंगी? क्रम तो ये कहता है देवताओं के हिस्से में आनी, दैत्यों के हिस्से में आनी चाहिए। जो एक प्रकार का संधि पत्र था उसमें अब जो लक्ष्मी जी निकली है वो देवताओं को नहीं, दैत्यों को मिलनी चाहिए। दैत्यों ने प्रार्थना की, मां हमारा हिस्से आप हमारा हिस्सा है, क्रम से आप हमारे हिस्से में आई हैं। मूर्ख लोग माता पिता को बांट लेते हैं, कुछ दिन पिताजी यहां रहेंगे, मां वहां रहेगी, बूढ़ों को बांट लेते हैं। ये अज्ञानी दैत्य कहने लगे, मां हमारे हिस्से में आई है, तो मां ने कहा मैं चलने को तैयार हूं, पर वो जो गुण होने चाहिए, जो साधन होना चाहिए, वैसा पात्र होना चाहिए, वैसी भूमिका हो, मैं तैयार हूं। मैं अकाम आपकाम पूर्ण काम निष्काम अक्रोध ही को प्राप्त होती हूं, अलोभ ही को प्राप्त होती हूं, जो मेरी उपेक्षा करे और जो मुझसे लाभ न लेना चाहे, जिसमें लोभ न हो अक्रोध हो, जिसने स्वप्न में भी क्रोध न किया हो, मैं उसकी हूं, ले चलो मुझे। दैत्य बेचारे अलग हो गए, ना हमारे, हम तो रोज गुस्सा करते, देवताओं को मना कर दिया, आपके नहीं लोभी हो। ब्रह्मा को यह कहकर फटकार लगाई, तेरी सृष्टि में द्वैत है। महादेव को मना कर दिया, आपके साथ नहीं जाऊंगी। महादेव ने कहा, मां मुझ में क्या त्रुटि है, क्या दोष है? मां ने कहा, त्रुटि दोष कुछ नहीं, तू अधिक उदार है, भोला भला है, कोई निशाचर तुझे प्रसन्न करेगा और मुझे मेरा पल्ला उसके साथ बांध देगा, तो मुझे कोई ले जाएगा, तू बहुत उदार है। जिसको पैसा खर्च करना नहीं आता उसके पास क्या करेंगे? अगर आप साधु हैं और ठीक तरीके के साधु हैं तो ध्यान रखना, अर्थ का नियंत्रण करना नहीं आएगा आपको, और बहुत पैसे गिनने अगर आपको आ गए तो ये चातुर्य साधु को नहीं रखना चाहिए। पैसे चेले गिनेंगे, आप माला फेरो, फिर तो साधुता का आनंद है ना, उतना ही मात्रा उतना ही रस। नमक बहुत अगर पड़ गया भोजन में तो क्या हो जाएगा? लक्ष्मी एक मात्रा है भैया, मात्रा पूजनिया है, वो सर्वस्व है मेरी, पर वो जीवन में एक मात्रा है। अधिक है तो क्या हो जाएगा, कम है तो क्या हो जाएगा, मात्रा। इसलिए मैंने उससे कह रखा है, साई उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए,
मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। मां मुझसे बड़ी प्रसन्न है, अन्नपूर्णा भी और लक्ष्मी तो बहुत है, सरस्वती उससे भी ज्यादा है, बड़ी प्रसन्न है। क्या हमको ये नहीं कह सकते कि मां जब तुझे जैसा लगे वैसा करना, हित अनहित तू जानती है। उस पर भरोसा करके देखो, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वो पहुंची नहीं किसी के पास और चुपचाप बैठ गई उसके पास जाकर जो आंख मूंदे बैठा था। तो सबने विचार किया कि क्या नारायण को क्रोध नहीं आता, और हां नारायण को कहां क्रोध आता है, नारायण सन्यासी है, आद्य सन्यासी। आपको बड़ा आनंद होगा, हम सन्यासियों का मूल नारायण है, वहीं से आरंभ हुआ है सन्यास का, और वो बद्रिकाश्रम में बैठा है साधु बनकर। जो बद्रीनाथ है वो सन्यासी है, भगवान नारायण वह सन्यासी के वेश में है, तपस्वी वेश में है। हमारा मूल कोई आद्य सन्यासी है तो नारायण है। अस्मदाचार्य पर्यंताम, अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। किसे गुस्सा नहीं आता, ऐसा एक परीक्षण करने के लिए दुर्वासा को भेजा। दुर्वासा अपने पिता के पास पहुंचे और पिता बहुत क्रोध करने लगे कि तू पुत्र होकर और मेरा परीक्षण करने आया, निर्लज्ज कहीं का, तू ये देखने आया कि बाप को गुस्सा नहीं आता, भस्म कर दूंगा। वो बोले पिताजी मैं समझ गया, आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता ना, आपको क्रोध नहीं आता। आपको क्रोध कैसे आ सकता है, मैं तो ऐसे पता करने आया था, अब गुस्से में पिताजी कह रहे हैं भस्म कर दूंगा, अभी गुस्सा ही तो हुआ। महादेव के पास पहुंचे तो महादेव को लगा अगर मैंने क्रोध नहीं किया होता तो भस्म कैसे करता मैं काम को, सृष्टि को, ये संहार कैसे होगा, संहार तो बिना क्रोध के हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान ने कहा तृतीय नेत्र में किंचित कंपन हो तो पूरी धरती पर प्रलय के बीज बो देती हैं मेरी आंखें, धरा अंबर अग्नि जलवायु वाष्प का कण बन जाते हैं, फिर कोई देव धनुष मनुष्य धरती पर नहीं रहता। अरे मूर्ख निकल यहां से, इससे पूर्व में कि मेरे नेत्र में, तृतीय नेत्र में और किसी नेत्र में कंपन पैदा हो, मेरी जरा सी भवें टेढ़ी हो जाए तो महाप्रलय होती है, तू जानता नहीं। तांडव करने के लिए मुझे क्रोध ही उकसाता है। भाग लिए वहां से दुर्वासा और पहुंचे भगवान के पास। नारायण उकसाया बहुत नारायण को, आंखें नहीं खोली भगवान ने, और जब आंखें नहीं खोली तो दौड़कर उनकी छाती पर लात मारी। भगवान नारायण की छाती पर पद प्रहार किया, और जैसे ही जोर से प्रहार किया तो भगवान उठकर बैठे और दुर्वासा के चरण चूमने लगे, ये कहकर कि मेरा वक्षस्थल वज्र जैसा कठोर। अरे ब्राह्मण तेरे कोमल चरण हैं, चोट तो नहीं लगी। जो ब्राह्मण के चरण चूम रहा है विष्णु, ये कहकर कि हे देव आप भूपति हैं, भूदेव हैं, धरती के देवता आप ही तो हैं, इसलिए हे भूदेव आपके चरणों को कष्ट तो नहीं हुआ, चोट तो नहीं लगी, चूमने लगे जब। इसलिए तय हो गया विष्णु को क्रोध नहीं आता।